नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में इंडियन आर्मी के द्वारा एक नया नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है और जो पोस्ट निकाली गई है वो एनसीसी वालों के लिए निकाली गई है जो इंडियन आर्मी के अंदर स्पेशल एंट्री होती है एनसीसी वालों की तो वो नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा तो जो जो बच्चे एन किए हुए हैं या फिर जिनके पास एन का सर्टिफिकेट है तो ये स्पेशल नोटिफिकेशन उन बच्चों के लिए रहने वाला है और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए एन वालों बच्चों के लिए तो इस डिटेल इस वीडियो में डिटेल से हम जानकारी लेने वाले हैं कि जो नोटिफिकेशन आया है एन स्पेशल रिक्रूटमेंट इंडियन आर्मी के द्वारा तो इसमें वीडियो में हम कंप्लीट प्रोसेस जान लेंगे कि कौन कौन बच्चा अप्लाई कर सकता है एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है एग्ज़ाम पैटर्न है या नहीं है कितना एग्ज़ाम पैटर्न रखा गया है कौन कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं कब से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे और कब लास्ट डेट है एवरी डिटेल हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं तो कोई भी आप स्किप मत कीजिए इस वीडियो को वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहें तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को ये देख लीजिएगा यहाँ पे बताया गया है जॉइन इंडियन आर्मी एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम फिफ्टी सिक्स कोर्स अक्टूबर 2024 शॉर्ट सर्विस कमीशन फॉर मैन एंड वुमेन मतलब मेल और फीमेल दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं इंक्लूडिंग वार्ड ऑफ बैटल कैजुअल ऑफ आर्मी आ, र, पर्सनल तो ये यहाँ पे बताया गया है इस भर्ती के बारे में तो आइए हम थोड़ा सा आगे धीरे धीरे करके डिटेल से नोटिफिकेशन पर चर्चा कर लेते हैं फर्स्ट पॉइंट में कहा गया है एप्लीकेशन आर इनवाइटेड अनमैरिड मेल एंड अनमैरिड फ़ीमेल तो अनमैरिड मैरिड होने चाहिए आप मेल या फीमेल जो भी हैं आप अप्लाई कर पाएंगे बैटल कैजुअलिटी ऑफ इंडियन आर्मी पर्सनल फॉर ग्रांट ऑफ शोट सर्विस कमीशन इन द इंडियन आर्मी तो आगे हम इलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं आप इलिजिबिलिटी दी गई है आइए एलिजिबिलिटी देख लेते हैं यहाँ पे नेशनल कैंडिडेट मस्ट आइदर बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया मतलब भारत का नागरिक होना चाहिए ए सब्जेक्ट ऑफ नेपाल ये बेसिक सी जानकारी दी गई है भारत का नागरिक होना चाहिए कौन कौन कहाँ का नागरिक होना चाहिए ये बेसिक सी जानकारी है जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी सेकंड स्टेप एलिजिबिलिटी का वो इंपोर्टेंट वो इंपॉर्टेंट रहने वाला है आइए हम आगे चलते हैं एज लिमिट की बात कर लेते हैं फॉर नेशनल कैडिट कोप कैंडिडेट इंक्लूडिंग वार्ड ऑफ बैटल अवार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटी उन नाइनटीन टू ट्वेंटी फाइव ईयर एज ऑन एक जुलाई दो हज़ार चौबीस तो जिन जिन बच्चों की एज उन्नीस से लेकर पच्चीस साल के बीच में है वो सभी अप्लाई कर पाएंगे और जो आपकी एज की काउंटिंग है वो एक जुलाई दो हजार चौबीस से होने वाली है तो एक जुलाई दो हजार चौबीस से आपकी एज की काउंटिंग होगी और बेसिक ही मैं छोटा सा बता देता हूँ दो जुलाई उन्नीस सौ निन्यानवे एंड नोट रिलेटर देन एक जुलाई दो हज़ार पाँच तो अगर बेसिक सी छोटी सी बात समझाऊँ तो मैं आपका या तो आपका जन्म दो जुलाई उन्नीस सौ निन्यानवे का होना चाहिए या फिर आपका जन्म एक जुलाई दो हजार का होना चाहिए या फिर आपका जन्म इन दोनों डेट्स के बीच में होना चाहिए तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे यहां पर यह बताया गया है आइए देख लेते हैं ये यह यहाँ पे नोट में कहा गया है कैंडिडेट शुड नोट दैट द डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्डेड इन द मेट्रिकुलेशन सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट और इक्विलेंट सर्टिफिकेट ऑन द डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन विल ओनली बी एक्सेप्टेड तो जो आपकी दसवीं मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ होगी वही काउंट की जाएगी तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिएगा इंपॉर्टेंट नोटिस में यहाँ पे कहा गया है कैंडिडेट मस्ट नोट दैट द कैन अपीयर ऑन द ओनली वन ऑफ द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू आइदर एस एस सी कोर्स अक्टूबर 2024 एसएससी चौबीस एंटी वुमेन 2024 ये थोड़ा सा बेसिक सी जानकारी इनके कोर्स के बारे में बताया गया है अक्टूबर 2024 के लिए ये रहने वाला है और ये यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने बता दिया है एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे देख लीजिएगा फॉर एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर तो जो भी एनसीसी एनसीसी uh, का सी सर्टिफिकेट होल्डर होंगे उनके लिए देख लीजिएगा यहाँ पे बताया गया है यहाँ पे देख लीजिएगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन में डिग्री ऑफ ए रिकोगोग्नाइज सबसे पहले आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट सी होना चाहिए सी सर्टिफिकेट होल्डर होने चाहिए और इनके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए डिग्री ऑफ़ ए रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी और इक्विलेंट विद एग्रीगेट मिनिमम फिफ्टी परसेंट मार्क टेकिंग इन टू अकाउंट मार्क ऑफ द ईयर्स तो यहाँ पर यह कहा गया कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए मिनिमम पचास अंकों के साथ आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए दोज स्टडिंग इन Uh, that years are also allowed to apply provided they have secured minimum 50% aggregate mark in the फर्स्ट टू थ्री ईयर्स ऑफ थ्री फोर ईयर्स डिग्री कोर्स रिस्पेक्टिवली सच एज स्टूडेंट विल नीड टू सिक्योर ओवरऑल एग्रीगेट ऑफ मिनिमम फिफ्टी परसेंट मार्क्स इन डिग्री इफ सेलेक्टेड इंटरव्यू फेलिंग विच देयर कैंडिडेट विल बी कैंसल तो ये यह यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया है कि ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए और मिनिमम फिफ्टी आपके पास होनी चाहिए जो सेमेस्टर वाइज सिस्टम हो सिस्टम होता है उनके सभी को मिलाकर आपके पास पचास प्रतिशत मार्क होने चाहिए यहाँ पे ये बताया गया है आगे हम देख लेते हैं सर्विस इन एन ये देख लीजिएगा सर्विस की बात करें शुड हैव सर्वड फॉर मिनिमम टू थ्री इयर्स एप्लीकेबल इन सीनियर डिवीजन डब्ल्यू ऑफ एनसीसी तो मिनिमम दो से तीन साल एप्लीकेबल रहेंगी ये चीज़ें आगे हम देख लेते हैं ये देख लीजिएगा ग्रेडिंग शुड हैव ओप्टेंड मिनिमम बी ग्रेड इन सी सर्टिफिकेट एग्जाम ऑफ एन सी सी एप्लीकेंट हुर नॉट होल्डिंग एन सी 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 सर्टिफिकेट ऑन डेट एप्लीकेंट आर नॉट इलिजिबल अप्लाई फॉर दिस कोर्स तो ये एन सी सी का सी सर्टिफिकेट होना आपके पास जरूरी है अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे ये यहाँ पे बताया गया है आगे हम देख लेते हैं क्वालिफाइड ग्रेजुएट कैंडिडेट ऑफ द डिग्री कोर्स यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया है फॉर द क्वालिफाइड ग्रेजुएट कैंडिडेट कैंडिडेट हु पास द ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स मस्ट प्रोसेस प्रोड्यूस द प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट एक अक्टूबर 2024 हज़ार चौबीस टू द डेरोक्रेट जर्नल ऑफ रिकॉर्डिंग रिक्रूटिंग फेलिंग विच देयर कैंडिडेट विल बी कैंसिल तो एक अक्टूबर 2024 से पहले आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए ये यहाँ पे इन्होंने बताया गया है फाइनल ईयर डिग्री कोर्स ये यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया है आगे हम आ जाएंगे ऑल फिस ये कोई ख़ास बात नहीं है ये हम आगे आ जाएंगे ये भी पर्सनल बेसिक सी चीज़ें हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन में और क्या कहा गया है ये थोड़ा सा यहाँ पे दोबारा बता दिया गया देख लीजिए डिग्री ऑफ एर्गुनाइज यूनिवर्सिटी और एक्लेंट विद एग्रीडर मिनिमम फिफ्टी प्रतिशत मार्क टेकिंग इन टू अकाउंट मार्क्स द ईयर मतलब तीनों को तीनों सालों के मिलाकर आपके पास पचास प्रतिशत मार्क होनी चाहिए ग्रेजुएशन में एन सी 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 सर्टिफिकेट नॉट रिक्वायर्ड फॉर वार्ड्स बैटल कैजुअलिटी तो ये यहाँ पर बता दिया गया है डिटेल्स ऑफ डॉक्यूमेंट टू प्रोवाइडेड एप्लीकेशन फॉर्म तो ये यहाँ पे देख लीजिएगा कौन कौन से एप्लीकेशन फॉर्म आपको प्रोवाइड करवाने पड़ेंगे यहाँ पे देख लीजिएगा डबल ए द बैटल कैजुअलिटी के लिए सर्टिफिकेट नंबर इशूड बाय ये थोड़ा सा बेसिक सी है आप देख लीजिएगा यहाँ पे क्या क्या चीज़ ये जो एप्लीकेशन फॉर्म ये जो आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवाने पड़ेंगे बैटल कैजुअलिटी के लिए तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप आराम से पढ़ लीजिएगा नोटिफिकेशन में टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा वहाँ से आप आराम से पढ़ लीजिएगा क्या कुछ और वैकेंसी की बात कर लेते हैं यहाँ पे देख लीजिए वैकेंसी बताई गई है एनसीसी मैन के लिए पचास वैकेंसी निकाली गई है फिफ्टी फोर जनरल कैटेगरी एंड पाँच वैकेंसी वार्ड ऑफ बैटल कैजुअलिटी ऑफ इंडियन आर्मी पर्सनल ओनली ये देख लीजिएगा बैटल कैजुअलिटी के लिए पाँच पोस्ट अलग से निकाली गई हैं और जो पैंतालीस पोस्ट हैं वो जनरल के लिए रखी गई है ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा एन सी सी वूमेन की बात करें तो पाँच वैकेंसी वुमेन की आई है चार जनरल कैटेगरी एंड वन वार्ड बैटल के लिए एक वैकेंसी है तो ये आप थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिएगा बैटल कैजुअलिटी या जो भी आपको पता होगा अच्छे से और हम आगे देख लेते हैं ये थोड़ा सा इनका पीरियड ऑफ प्रोबेशन बता रखा है सीनियरिटी टर्म कंडीशन कमीशन्स ये ट्रेनिंग ये ट्रेनिंग के बारे में बताया गया ट्रेनिंग ड्यूरिंग ऑफ ट्रेनिंग इन फोर्टी नाइन वीक्स ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी इन ओ टी चेन्नई तो चेन्नई के अंदर आपकी फोर्टी नाइन वीक्स की ट्रेनिंग करवाई जाएगी आपके सिलेक्शन के बाद ये यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया है हम आगे आ जाते हैं प्रोमोशन क्राइटेरिया सैलरी स्ट्रक्चर देख लीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा प्रमोशन वगैरह भी बताया गया है आप देख लीजिएगा रैंक के हिसाब से और प्रमोशन क्राइटेरिया किस किस हिसाब से कितना होगा ऑन कंपटीशन दो ईयर छः ईयर तीन ईयर ये डिटेल्स से आप पढ़ लीजिएगा अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा यहाँ पे सैलरी भी दी गई है देख लीजिए लिट्टूनट का लफ्टीनेंट की जो पोस्ट होती है सबसे हाई रैंक पोस्ट होती है लेवल टेन की नौकरी मिलती है छप्पन हज़ार से एक लाख सत्तर हज़ार के बीच में ये आप देख लीजिएगा ये रैंक हिसाब से भी आप अच्छे आपको पता होना चाहिए कौन सा रैंक सबसे ऊपर आता है पहले लुफ्टीनेट का आता है फिर कैप्टन का आता है फिर मेजर का आता है फिर लुफ्टीनेंट कॉर्नल कॉर्नल ये देख लीजिएगा ब्रिजदार मेजर जनरल ये इस हिसाब से भी आपको पता होना चाहिए आफ्टरऑल आप इंडियन आर्मी में जा रहे हैं और मिलिट्री सर्विस की बात करें तो एम एस पी ओ ऑफिसर ये रैंक देख लीजिएगा थोड़ा सा बताया गया है ये काफ़ी अच्छी पोस्ट रहने वाली है एनसीसी वालों के लिए क्वालिफ़िकेशन ग्रांट यहाँ पे दी गई है ये आप आराम से पढ़ लीजिएगा इसको अदरवाइज़ काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी वीडियो ये हम आगे चलते हैं डायरेक्ट अगर कोई और काम की चीज़ है तो वो देख लेंगे हम यूनिफॉर्म अलाउंस ये सब कुछ आपको मिलता है काफ़ी अच्छी इसके अंदर सब कुछ आपको सुविधा मिलती है अगर इंडियन आर्मी आप ज्वाइन कर लेते हैं तो ये हाउ टू अप्लाई यहाँ पे बताया गया है कैसे आपको अप, अप्लाई करना है इंडियन ये इंडियन आर्मी जॉइन इंडियन आर्मी ऑफिशियल वेबसाइट है यही से आपको इसका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है ये यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया है और हम आगे देख लेते हैं अगर कोई और मेन चीज़ इसके अंदर रहने वाली है तो ये मेडिकल एग्ज़ामिनेशन भी होगा यहाँ पर ेशन सिलेक्शन प्रोसीजर थोड़ा सा देख लेते हैं फिर सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे रहने वाला है इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्टर्स फॉर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आर्मीज रिजर्व द राइट शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशन विदाउट असाइनिंग एनी रीजन आफ्टर शॉर्ट लिस्टिंग एप्लीकेशन सेंटर अलॉटमेंट विल बी इनिशियटमिट कैंडिडेट देर ई मेल आफ्टर अलॉटमेंट तो यहाँ पर बताया दिया गया है ई मेल के द्वारा आपको शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट बता दिए जाएंगे कि किन किन बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया है, तो ऑप्शन टू सेलेक्ट द डेट एस एस बी बाई कैंडिडेट मे बी फॉर ड्यू टू कंसर्ट ऑफ एक्सफिलेशन सरकमसेंट इवेंट्स तो यहाँ पर ई मेल के द्वारा आपको uh, सूचित कर दिया जाएगा कि आप शॉर्टलिस्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं उसके बाद देख लेते हैं सी में कैंडिडेट विल पुट थ्रू टू स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस दो स्टेज इसमें रखी गई हैं पहला स्टेज और सेकंड स्टेज दो हु क्लियर स्टेज वन विल गो टू स्टेज सेकंड तो मतलब दो स्टेज में आपकी ये प्रक्रिया होने वाली है पहली स्टेज में जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे उनको स्टेज टू में भेजा जाएगा एंड दोज हु फेल इन स्टेज वन विल बी रिटर्न ऑन द सेम डे रिटून ऑफ द सेम डे ड्यूरेशन ऑफ एस इंटरव्यू फाइव डेज तो ये पाँच दिन का एस का इंटरव्यू होगा इसके अंदर आपको बता दिया जाएगा कि आप uh, मतलब फेल हुए हैं या पास हुए हैं एट ए टाइम तो उसके बाद आपका यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और ये देख लीजिएगा यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रोसीजर रहने वाला है उसके बाद मेरिट लिस्ट यहाँ पे लगाई दी लगा दी जाएगी किन किन बच्चों का फाइनल हुआ है और चेंज ऑफ इंटरव्यू डेट देख लीजिए रिक, रिक्वेस्ट फॉर द चेंज ऑफ एस एस पी इंटरव्यू डेट सेंटर विल नोट मतलब ये चेंज नहीं हो सकती अगर आपको कोई प्रॉब्लम है जिस दिन इनका एस एस पी इंटरव्यू होगा तो वो डेट चेंज नहीं हो सकती यहाँ पर ये बता दिया गया है और हम देख लेते हैं आगे इम्पॉर्टेंट्स डेट की बात कर लेते हैं तो ये देख लीजिएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन विल ओपन आठ जनवरी 2024 मतलब आठ जनवरी से इसकी ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं एंड क्लोज ऑन छः फरवरी तो छः फरवरी इसकी लास्ट डेट डेट रखी गई है तो अगर आप एलिजिबल है एन सर्टिफिकेट आपके पास सी है तो आप डेफिनेटली इस पोस्ट को अप्लाई कीजिएगा इंडियन आर्मी के अंदर ज्वाइन करने के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एन कैंडिडेट को और आठ जनवरी से छः फरवरी के बीच में आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं आधार कार्ड नंबर एंड क्लास टेंथ सर्टिफिकेट नंबर इज मेडेंट्री तो आधार कार्ड नंबर आपके पास होना चाहिए और टेंथ का सर्टिफिकेट नंबर आपके पास होना चाहिए ये दोनों मस्ट हैं इनके 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 ना रहते आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते तो अच्छे से इस नोटिफिकेशन को रीड कर लीजिएगा टेलीग्राम पर मैं डाल दूंगा और कोई भी आपका डाउट है क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को भी टैप कर लीजिएगा ताकि समय रहते आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें यूट्यूब में हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा सारी नोटिफिकेशन सारी अपडेट्स सब कुछ यहाँ पर बता दिया जाता है इस वीडियो में इतना ही रखते हैं तब तक के लिए धन्यवाद